लगभग 5000 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध के पश्चात प्राचीन हिंदू सभ्यता 10,000 से अधिक आध्यात्मिक हिंदू संप्रदायों के रूप में 56 हिंदू राष्ट्रों, 200 हिंदू राज्यों, 1700 हिंदू प्रांतों में विद्यमान थी और एशिया के 60 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर विराजमान थी। हिंदू धर्म के सर्वोच्च जगतगुरु महासन्निधानम भगवान श्री नित्यानंद परम शिवम कैलासा के पुनर्जीवक है यह प्राचीन प्रबुद्ध हिंदू सभ्यतात्मक राष्ट्र। कैलास ऐसे कई ऐतिहासिक हिंदू संप्रभु राज्यों और हिंदू धार्मिक संस्थाओं की सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सभ्यतागत और संप्रभु निरंतरता और पुनरुद्धार का साक्षात परिणाम है। कैलास के रूप में इन प्राचीन हिंदू राष्ट्रों की अविच्छिन्न निरंतरता के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून, विशेषतः डॉक्ट्रिन ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता के सिद्धांत के तहत कैलास को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मान्यता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय कानून डॉक्ट्रिन ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत इंगित करता है कि किसी देश के भीतर उथल पुथल और क्रांतियां, सरकारों में बदलाव, क्षेत्रीय समायोजन, सैन्य कब्जे के दौरान लाए गए परिवर्तन या अन्य आंतरिक परिवर्तन देश के अस्तित्व को नकारते नहीं है। ये सभी देश या राज्य के कानूनी व्यक्तित्व और उस देश के प्रति अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को प्रभावित नहीं करते हैं। द वियना कन्वेंशन ऑन सक्सेशन ऑफ स्टेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटीज 1978 की वियना संधि राज्यों के संधियों के उत्तराधिकार से संबंधित है। राज्य उत्तराधिकार अर्थात जब एक नया राज्य पूर्ववर्ती राज्य की जिम्मेदारियों को ग्रहण करता है या राज्य निरंतरता अर्थात जब एक राज्य अपनी पहचान और जिम्मेदारियों को बनाए रखता है, ऐसी स्थितियों में डॉक्ट्रिन ऑफ कंटिन्यूटी अर्थात निरंतरता का सिद्धांत कैसे लागू होता है यह वियना संधि स्पष्ट करती है और इन परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय कानून को परिभाषित करती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक राज्य की पहचान को मान्यता देकर उसके कानूनी व्यक्तित्व को स्वीकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह दृष्टिकोण उस अवधि के दौरान भी मान्य है जब किसी देश को किसी विदेशी शक्ति द्वारा अधिग्रहित या कब्जे में लाया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में भी राज्य का अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अस्तित्व कायम रहता है जिससे भविष्य में उसकी पुनर्स्थापना संभव हो पाती है। 18वीं शताब्दी से लिए गए ऐतिहासिक उदाहरणों में पुर्तगाल और जेनोवा शामिल हैं जिन्हें विदेशी अधिग्रहण के बाद 1815 की वियना कांग्रेस में पुनर्स्थापित किया गया था। हाल के उदाहरणों में पोलैंड, इथियोपिया, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया और ऑस्ट्रिया जैसे देश शामिल हैं जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्स्थापित किया गया था। यहाँ तक कि जब किसी राष्ट्र को उसके क्षेत्र से वंचित किया जाता है तब भी उसका कानूनी अस्तित्व बना रहता है, उसकी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व निरंतर कायम रहती है। दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक धर्मगुरु और लौकिक सत्ता के वाहक के रूप में इस सिद्धांत को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। 1949 में दलाई लामा को वर्षांतरिक परिस्थितियों द्वारा निर्वासित किया गया और देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। विविध चुनौतियों से जूझते हुए भी दलाई लामा तिब्बती संस्कृति के संरक्षण की आवाज बुलंद करते रहते हैं और तिब्बत के स्वराज के लिए वैश्विक स्तर पर समर्थन प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार 1309 से 1376 तक कैथोलिक चर्च के पोप एविग्नॉन में निर्वासित रहे। इसके बावजूद उन्हें राज्य के प्रमुख और चर्च के प्रमुख के रूप में मान्यता दी गई और रोम लौटने के बाद उनके पद के सभी विशेषाधिकार पुनर्स्थापित किए गए। 1861 में भी पोप के अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था जिससे पोप के पास पोप निवास और संबंधित इमारतों के अलावा कोई संप्रभु क्षेत्र नहीं बचा था। फिर भी उनकी लौकिक सत्ता को स्वीकार किया गया, उन्हें एक राज्य के प्रमुख के रूप में मान्यता दी गई और बाद में 1929 की लेटरन संधि ने वेटिकन सिटी पर पोप की संप्रभुता को औपचारिक रूप से पुनर्स्थापित कर दिया। सॉवरेन ऑर्डर ऑफ माल्टा, एक ईसाई संप्रभु संन्यास संप्रदाय, इस सिद्धांत को एक और उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करता है। जून 1798 में नेपोलियन के आक्रमण के बाद अपने क्षेत्र के स्थायी रूप से खो देने के बावजूद यह संप्रदाय एक संप्रभु इकाई के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बनाए रखता है। संप्रभु क्षेत्र को इस प्रकार खो देने के बावजूद सॉवरेन ऑर्डर ऑफ माल्टा संन्यास संप्रदाय की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व कायम है।
बहुत बाद में 1894 में ऑर्डर ने रोम में बसेरा बनाया और दो संपत्तियां मैजिस्ट्रल महल और मैजिस्ट्रल हवेली अधिग्रहित की, जिन्हें माल्टा के संप्रभु राज्य के क्षेत्र के रूप में दर्जा प्राप्त है। आज सॉवरेन ऑर्डर ऑफ माल्टा संन्यास संप्रदाय 112 देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखता है। अपने स्वयं के राजनयिक पासपोर्ट, मुद्रा, डाक टिकट और वाहन पंजीकरण प्लेट जारी करता है और संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करता है। राज्य पुनर्स्थापना के ये सभी उदाहरण अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट्स अर्थात राज्यों की निरंतरता के सिद्धांत को दर्शाते हैं, जिसके अनुसार एक राज्य का कानूनी व्यक्तित्व परिवर्तन के विपरीत बना रहता है। यहाँ तक कि जब किसी राष्ट्र का क्षेत्र प्राकृतिक कारणों से या विदेशी आक्रमण के कारण खो जाता है, तब भी वह राष्ट्र अस्तित्व में बना रहता है। उसकी संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व निरंतर कायम रहती है। एक और भी अधिक चौंकाने वाला उदाहरण महासागरीय देशों का है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते समुद्र के स्तर के चलते अपने पूरे देश के डूबने और जलमग्न होने के खतरे में है। जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसे विनाशकारी खतरे के जवाब में टुवालू जैसे प्रशांत द्वीप देशों ने संवैधानिक संशोधन किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं की हैं, जो पुष्टि करती हैं कि उनका देश और उनके संप्रभु अधिकार बने रहेंगे, भले ही उनका पूरा संप्रभु क्षेत्र जलमग्न हो जाए। इस सक्रिय रुख को संविधान अधिनियम 2023 और प्रशांत द्वीप मंच की 2021 की घोषणा में विशेष बल दिया गया है। हिंदू धर्म के सर्वोच्च जगत गुरु महासन्निधानम भगवान श्री नित्यानंद परम शिवम उत्तराधिकार की श्रृंखला के माध्यम से वर्तमान में हिंदू संप्रभु राज्य सूर्यवंश सुरांगी साम्राज्य के 203वें सम्राट। 26 वर्ष की आयु में 31 दिसंबर 2004 को उनका राज्याभिषेक अर्थात पट्टाभिषेकम हुआ था। निरंतरता के सिद्धांत की नीतियों के माध्यम से पुर्तगाल, जेनोआ, पोलैंड, इथियोपिया, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, वेटिकन, तिब्बत, माल्टा के संप्रभु संप्रदाय और कई अन्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को कानूनी मान्यता प्राप्त है। भले ही इन देशों ने निर्वासन काल, देशों का विलय या विदेशी शक्तियों द्वारा अपने संप्रभु क्षेत्र पर अधिग्रहण या कब्जे का एक दौर झेला था, इन सबके बावजूद निरंतरता के सिद्धांत के नीतियों के कारण इन देशों को कानूनी मान्यता प्राप्त है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर जगत गुरु महासन्निधानम भगवान श्री नित्यानंद परम शिवम सुरांगी साम्राज्य के हिंदू संप्रभु राज्य के पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कानूनी एवं ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से सुरांगी साम्राज्य के राज्यवंश के सभी संप्रभु अधिकार और शक्तियों को इसके 203वें संप्रभु सम्राट के रूप में ग्रहित करते हैं, जो सूर्यवंश सुरांगी साम्राज्य सर्वज्ञ पीठ के अटूट उत्तराधिकार के उनके विरासत और निरंतरता से प्राप्त होते हैं। सूर्यवंश सुरांगी साम्राज्य 20 अन्य संप्रभु हिंदू राज्यों और संप्रभु धर्म सत्तात्मक ऐतिहासिक संस्थाओं के साथ एकीकरण के माध्यम से संयुक्त राज्य कैलासा का हिस्सा बन गया, जो इस प्रकार जगत गुरु महासन्निधानम भगवान श्री नित्यानंद परम शिवम की संप्रभुता के अधीन स्वयं भी एक संप्रभु स्वतंत्र न्यायिक राज्य बन गया। ठीक उसी तरह जैसे टुवालू जैसे महासागरीय देशों ने अपने संविधान में संशोधन करके अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए ये घोषणा करके कि उनकी संप्रभुता उनके क्षेत्र के पूर्ण रूप से जलमग्न होने के बावजूद बनी रही। कैलासा जो 21 संप्रभु हिंदू राज्यों और संप्रभु धर्म सत्तात्मक ऐतिहासिक संस्थाओं की एक संप्रभु निरंतरता है, वह जलमग्न हो चुके कुमारीकंडम हिंदू राष्ट्रों के निरंतर अस्तित्व को पुनर्जीवित करके बनाए रख रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंटिन्यूटी अर्थात निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार इन तथ्यों से यह तात्पर्य निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कैलासा की राज्यता को मान्यता देता है और यह पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कानूनी एवं ऐतिहासिक तथ्यों का एक स्वाभाविक परिणाम है। कैलाश का हिस्सा बने, अपना समय, प्रतिभा और संपन्नता से योगदान दें और ई सिटीजन के रूप में साइन अप करें।